इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में हेजिंग विद इंडेक्स फ्यूचर एंड आर्बिट्रेज। तो पहले देखते हैं कि जैसे हम हेजिंग कैसे करते हैं। तो हेजिंग विद इंडेक्स फ्यूचर्स, तो अभी हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसमें कहा कि हम जो भी शेयर है उसी का हम फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। पर कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको मेंशन किया है, जैसे इन्वेस्टर हैज परचेज सपोज 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। तो एक कंपनी है और इन्वेस्टर ने 1000 शेयर परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ ₹500। अब सपोज कर लीजिए तो इसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो देयर इज नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में हम मार्केट इंडेक्स जो होता है उसका फ्यूचर अवेलेबल होता है, उसके थ्रू हम इसकी हेजिंग कर सकते हैं। इट मीन्स इन दैट केस वी कैन सो एंकर इन टू मार्केट इंडेक्स फ्यूचर। इसको हम ये भी कहते हैं स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। तो जैसे मार्केट इंडेक्स कौन से हैं इंडिया में, दो हमारे पॉपुलर मार्केट इंडेक्स हैं, एक है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स है निफ्टी, और एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, उसका इंडेक्स है सेंसेक्स। तो आप निफ्टी का फ्यूचर एंकर कर सकते हो, तो निफ्टी के फ्यूचर आपको मिलेंगे सेंसेक्स के फ्यूचर, पर इसमें एक उनका मल्टीप्लायर होता है लॉट साइज। तो जैसे निफ्टी का लॉट साइज आपका 200 हो सकता है, सेंसेक्स का मल्टीप्लायर है 50। ये है बाय डिफॉल्ट जैसे क्वेश्चन साइलेंट है, अगर वही वो आपको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन में इनका लॉट साइज, लॉट साइज को मल्टीप्लायर भी कहते हैं हम। तो आप इसके थ्रू हेजिंग कर सकते हैं। तो इट मीन अब आपने शेयर कैसे परचेज किए हैं, तो आपका रिस्क क्या है इसमें, रिस्क है कि प्राइस फॉल कर सकता है, रिस्क है कि प्राइस मे फॉल। तो आपने क्या करना है, आज आप वो फ्यूचर को सेल कर दो, तो आप मार्केट के जो फ्यूचर हैं उनको आप सेल कर दो, तो उससे रिस्क आपका कवर जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं देखो, तो इसी एग्जाम्पल में तो अब हमने जैसे ये एग्जाम्पल लिया है, आपने बाय किए हैं शेयर्स, जीरो पीरियड है, यू बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। ये हमने लिए हैं नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास 1000 और उसका प्राइस है स्पॉट प्राइस 500। तो इसका मतलब है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, I0 होगी आपकी स्पॉट इन्वेस्टमेंट, आपने कितनी की है, दैट विल बी नंबर ऑफ शेयर इनटू सपोर्ट प्राइस, ये आपकी बन गई ₹5 लाख। अब आपको फ्यूचर्स लिए हैं, टाइम पीरियड 1 है आपका, सपोज आपके पास है निफ्टी और फ्यूचर्स, ये आपके पास अवेलेबल है, तो किसी को एट द रेट ऑफ स्पोज 10000 और इसका लोट आपको लिया है एंड लोट साइज की गिवन गैटिट्यू 50। तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर, वैल्यू ऑफ वन निफ्टी फ्यूचर 15 × 10000 ₹5 लाख आ जाएगी। ये भी आपकी एक स्पॉट पोजीशन 5 लाख की आपने शेयर खरीदे हैं। अब अपने रिस्क कवर करने के लिए ये शेयर आपने बाय किए हैं, रिस्क है कि आपका प्राइस फॉल हो सकता है, प्राइस में फॉल, तो आपने क्या करना है, निफ्टी के फ्यूचर सेल कर दो, तो सेल निफ्टी फ्यूचर्स
सो एक एफ पी, एफ पी आपको दिया है 10,000। तो आप देखो आपको कितना गेन या लॉस होगा। अब आपको मेंशन किया है आफ्टर वन पीरियड, वन पीरियड जो भी आपने लिया है, जैसे 1 साल है या 1 महीना है, आपको मेंशन किया है निफ्टी जो है वो आपकी फॉल हो गई है। निफ्टी फॉल्स बाय 2%, और जो शेयर का प्राइस है जो हमने 500 खरीदा था वो भी आपका फॉल हो गया है। सो शेयर प्राइस जिसे जो फॉल्स 2,490। तो अब देखो आपने कैसे गेन या लॉस निकालेंगे। तो इसमें जो गेन या लॉस हम कैलकुलेट करेंगे, गेन या लॉस एग्जैक्टली इक्वल टू, तो आपने जो सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट की उसका गेन या लॉस हम अलग से निकालेंगे। वो ठीक है, गेन और लॉस इन उसको कहते हैं सपोर्ट मार्केट, और इसमें प्लस माइनस है वो आपका कितना गेन या लॉस आ रहा है इन फ्यूचर्स मार्केट, जो फ्यूचर की मार्केट है आपकी, वो आपका टोटल गेन या लॉस आ गया। तो लेट अस सी, देखो अब इसमें सपोर्ट मार्केट में आपको कितना गेन या लॉस हो रहा है। अपने शेयर खरीदे 1,000, परचेज प्राइस का 500, अब सेल हो गए आपके शेयर का प्राइस फॉल हो गया 490। तो बचे गए सेल प्राइस ऑफ शेयर जिसे 490, बचे गए कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर जिसे जो 500, तो आपको उसमें लॉस हो रहा है, लॉस ऑन 1,000 शेयर्स इट के 10 रुपये लॉस, तो आपका 10,000 का लॉस आ गया। फिर आप देखिए फ्यूचर्स मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट तो आपने रिस्क कवर करने के लिए सेल किए थे निफ्टी फ्यूचर, तो बताइए सेल प्राइस ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर को आपने सेल किया है किसी एफ टी 10,000 के ऊपर। अब आप इसको बाय कर लीजिए, बाइंग प्राइस यह है उस टाइम के सपोर्ट रेट है। अब कह रहे हैं निफ्टी फॉल हो गई है 2%, तो आज आपका प्राइस है निफ्टी का 10,000 -2%, इट मीन्स 9,800, इसमें आपको गेन हो जाएगा। तो गेन हो रहा है आपको 200 का, इनटू जितना इसका मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर है आपका लॉट साइज 50, इनटू कर लीजिए 50, तो आपका जो गेन है जिसे जो 10,000। बिल्कुल जब इतना लॉस हो रहा है वो आपका ऑफसेट हो गया बाय गेन, तो नेट गेन या लॉस कितना है आपका, नेट लॉस ही 0। उस तरीके से जो फ्यूचर्स हैं वो आपकी हेजिंग कर रहे हैं। ये भी हम आगे और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उससे आपको क्लियर होगा। तो मींस इसमें क्या है, एक स्पॉट मार्केट है, यह आपकी सेपरेट रहती है इसमें, और एक है हमारी इंडेक्स की फ्यूचर मार्केट, मार्केट इंडेक्स वो सेपरेट है, उसका गेन या लॉस हम सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, और जो स्पॉट मार्केट है उसका गेन या लॉस सेपरेट, फिर दोनों को करेंगे ऑफसेट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्बिट्रेज, नेक्स्ट टॉपिक भी है वो आर्बिट्रेज विद फ्यूचर्स। तो पहले देखते हैं सिंपल मीनिंग क्या होता है आर्बिट्रेज का। तो आर्बिट्रेज मीन्स सिंपली टू बाय एट ए लो प्राइस एंड टू सेल एट ए हाई प्राइस। तो हर पर्सन की एक एजेंसी होती है, इसको कहते हैं कि जो रैशनल इन्वेस्टर होते हैं, इसका नाम है रैशनल इन्वेस्टर। रैशनल मीन्स तो एवरी पर्सन वांट्स टू मेक प्रॉफिट, नो पर्सन वांट्स टू मेक लॉस, तो उसमें हमें बाय करना है लो प्राइस पे और उसको सेल करना है हाई प्राइस पे, और ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, ताकि आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब जब हम फ्यूचर्स में एंटर करते हैं तो हम कैसे चेक करेंगे कि फ्यूचर को आपने कब बाय करना है कब सेल करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है आर्बिट्रेज विद फ्यूचर का क्या मीनिंग है।
Arbitrage Vigor Futures means we have to determine, तो आपको डिटरमिन करना है. सो इफ फ्यूचर्स, तो ये जो भी आपके फ्यूचर्स हैं आर अवेलेबल, ये आपके अवेलेबल हैं एट लो प्राइस, ये आपको मिल रहे हैं लो प्राइस पे मिल रहे हैं, और एट हाई प्राइस या फिर हाई प्राइस पर. लो प्राइस का मतलब वो क्या है कि ये आपको चीप मिल रहे हैं. चीप मीन्स इसको हम कहते हैं अंडर प्राइस है ये. एंड हाई प्राइस मीन्स ये आपके कॉस्टली हैं फ्यूचर्स. कॉस्टली मीन्स इसको हम कहते हैं ओवर प्राइस है. तो मीन्स आपको पहले डिटरमिन करना है, वी हैव टू डिटरमिन इफ फ्यूचर्स आर अवेलेबल एट लो प्राइस और हाई प्राइस. तो उसके वजह से फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं. सो वंस वी नो दिस देन सो वी कैन डेवलप आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी. इट मीन्स को कैसे डिटर्मिन करेंगे पहले कि फ्यूचर्स ओवर प्राइस है अंडर प्राइस, और आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी क्या होगी. तो उसके स्टेप्स क्या होंगे आपके. तो अब देखिए आपको डेटा किस टाइप से दिया है. तो डेटा आपका है नॉर्मल. तो देखते हैं पहले किस टाइप का आपको डेटा मिलेगा. ये क्वेश्चन में तो जीरो पीरियड है, यहाँ सपोर्ट प्राइस है, टाइम पीरियड वन है, उसका आपको मिलेगा फॉरवर्ड प्राइस या फ्यूचर प्राइस. तो सबसे पहले आपने एसओ से डिटर्मिन करना है उसका फेयर प्राइस क्या है फॉरवर्ड का एफ. तो इट मीन्स स्टेप वन, तो गेट फेयर प्राइस ओपो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और जिसको हमने नाम दिया एफ ओ. वही चार मॉडल अप्लाई हो जाएंगे, इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाएगा और डिविडेंड इनकम एडजस्ट हो जाएगी. तो सेकंड स्टेप है अब आपको, अब आप कंपेयर कीजिए. कंपेयर जो आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है, एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस जिस इसका नाम है एफ टी विग फेयर प्राइस. फेयर प्राइस जो आपने कैलकुलेट किया है एफ को, उससे कंपेयर कीजिए. अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी. नंबर वन, यदि तो आपका एफ टी आपका ग्रेटर आ रहा है एफ ओ से, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं जो फ्यूचर्स हैं आपके, तो फ्यूचर्स जो हैं वो आपके कॉस्टली हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूचर्स आर ओवर प्राइज्ड. फ्यूचर्स आर ओवर प्राइज्ड. फिर आप आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो इस केस में देखो आपकी ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी. फ्यूचर्स कॉस्टली है ना, ओवर प्राइस है, तो सेल कर दो फ्यूचर, सेल फ्यूचर्स, उसको सेल कर दो एट एफ टी के ऊपर, ठीक है, इसको सेल किया. और जीरो पीरियड में स्टॉक को बाय कर लो सपोर्ट पर, बाय स्टॉक एट सपोर्ट प्राइस. अब उस सपोर्ट प्राइस में इंटरेस्ट की कॉस्ट और डिविडेंड इनकम एडजस्ट कर देंगे, तो उससे आपकी आ जाएगी गेट एफ ओ, गेट फेयर प्राइस, इसको हमने लिखा था एफ ओ. तो ये सेल किया हमने, ये समझो हमारी फेयर प्राइस का मतलब है ये हमारी बन गई बाइंग कॉस्ट, और जो डिफरेंस आएगा आपका गेन आ जाएगा, राइट. ये आपने सेल करना है और बाय करना है, दो स्टेप्स अप्लाई करनी है, फिर इसकी कॉस्ट आ जाएगी एंड बैलेंस इज आर्बिट्रेज गेन. तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा आर्बिट्रेज से, इनका जो डिफरेंस आएगा. तो ऐसे यही आपका सेकंड पॉसिबिलिटी है. तो सेकंड पॉसिबिलिटी इज गेस इफ एफ टी इज लेस देन एफ ओ. फिर हम कहते हैं फ्यूचर्स हमारे अंडर प्राइस के हैं, फ्यूचर्स आर अंडर प्राइस, इतने फ्यूचर्स आपको लो प्राइस के मिल रहे हैं. फिर आप स्ट्रैटेजी चेंज कर दो,
वट विल बी आर्बिट्रेज पैकेज, यही मेंशन कर रहता हूँ मैं इसकी, आर्बिट्रेज पैकेज। उस केस में आपकी आर्बिट्रेज पैकेज बन जाएगी। अब अपने फ्यूचर को बाय करना है इस रेट पे, क्योंकि ये चीप है, बाय फ्यूचर्स एक तो एक्टिव के ऊपर, और स्टॉक को यहाँ सेल कर दो आप, सेल स्टॉक एक तो एसओ, और इसकी आप डिटरमिन करो फिर फेयर वैल्यू, या कि एक से फेयर वैल्यू जिसका नाम है हमारा एफओ। तो ये दो आपने एक्शन लेनी है, बाय और सेल, और आपको गेन हो जाएगा। अब बाय कर रहे हैं फ्यूचर में लो प्राइस पे, सेल हो गया हाई प्राइस पे, जो इनकम बनेगी तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो इसमें आपका आर्बिट्रेज गेन बन रहा है, आपने सेल किया है एक्टिव के ऊपर और माइनस एफओ, ये आपका प्रॉफिट आ गया। इस केस में आपका आर्बिट्रेज जो गेन बनेगा, अब आर्बिट्रेज प्रॉफिट, आपने एफपी पर बाई किए हैं तो ये बन जाएगा फार्मूला आपका एफओ माइनस एफपी, ये सेल प्राइस बन गई, ये आपकी बन गई बाइंग प्राइस। तो एग्जाम्पल सब करके उससे आपको क्लियर होगा। लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर वन, इसमें ये को मेंशन किया है, सी एग्री ऑन सितंबर वन टू बाय फ्रॉम डी। सी ने एग्री किया है, सी एग्री सो ऑन जैसे कि सितंबर वन टू बाय फ्रॉम बी, उसने बी से बाय करनी है, ये डी है किसी सी, सो 100 ग्राम्स ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आपने बाय करना है ऑन 1 अक्टूबर, ऑन अक्टूबर वन। सो 1 रुपीज उसका प्राइस आपको दिया है 19,300, जिसे जो पर 10 ग्राम्स गैर आस्किंग यू आर रिक्वायर टू रिटर्न। क्योंकि सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 सितंबर को जी के साथ टू बाय 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑन अक्टूबर वन एट रुपीज किस पर 10 ग्राम्स। दैट मीन्स यदि हम देखें इसका टाइम सेल, तो आज आपकी डेट है सितंबर वन, और आपका जो एग्री टाइम है वो है अक्टूबर वन। तो एक पार्टी है इसमें सी और एक पार्टी है इसमें डी, और एग्री प्राइस आपको दिया है उसको कहते हैं फॉरवर्ड प्राइस 19,300 आपको। इसमें सिर्फ यही पूछा है आपको व्हाट इज फॉरवर्ड प्राइस, तो हम लिखेंगे ये फॉरवर्ड प्राइस है आपका पहला आंसर जो एग्री हुआ है आपका। सो हुए कि सेट टू बी लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसमें से कौन लॉन्ग है कौन शॉर्ट है, लॉन्ग होता है किसने बाय करना है, तो सी एग्री टू बाय, तो इसमें सी है कि लॉन्ग पोजिशन और डी ने सेल करना है इतनी, तो डी है कि शॉर्ट पोजिशन। तो फॉरवर्ड फ्यूचर में बाय को कहते हैं लॉन्ग, इसमें लॉन्ग मीन्स टू बाय, डी ने सेल करना है, शॉर्ट मीन्स टू सेल। सो बाकी को ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टी, ऑब्लिगेशन क्या है, सी की ऑब्लिगेशन है उसने बाय करके पेमेंट करनी है टू पे, टू पे प्राइस, और डी की ऑब्लिगेशन क्या है, उसने इस कॉमोडिटी को सेल करना है, ठीक में उसको कहते हैं टू डिलीवर द कॉमोडिटी, और वी कैन से गुड्स से जो भी उन्हें एग्री की है। सो इफ एक्चुअल स्पॉट प्राइस ऑन अक्टूबर वन, अब वो कह रहे हैं एक्चुअल जो प्राइस है यहाँ पर एस की ऑन अक्टूबर वन हैपन्स टू बी 19,500, सो पर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देन हाउ मच विल बी गेन और लॉस ईच पार्टी, तो आपने देखना है किसको गेन या लॉस होगा। लेकिन हम देखते हैं सी की पोजिशन, सी सी ने किसको बाय करना है एफ टी के ऊपर, तो और सेल करेगा सी एस टी के ऊपर, तो उसका सी को हो रहा है इसमें लॉस, गेन सी का गेन है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस है आपकी एस टी, कॉस्ट प्राइस है आपकी एफ टी, तो एस पी है आपका 19,500 माइनस 19,300, उतनी सी इज मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 200। और ये आप देखते हैं जी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
घी का आपको लॉस हो रहा है क्योंकि घी ने को सेल करना पड़ेगा इस प्राइस पर, इस प्राइस पे उसको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, तो लॉस हो गया आपका। सीपी माइनस है एसपी, इट मीन्स घी ने सेल किया है और यहाँ बाई किया 19,500, बिके गए एसपी माइनस एफपी, जिसे जो 19,500 माइनस 19,300, तो सी को जो है 200 रुपये का लॉस हो जाएगा। ये आपका है फर्स्ट एग्जाम्पल, सिर्फ टर्म्स लगाई थी आपको। जैसे से एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसमें आपको देखिए डाटा मेंशन किया है, तो मिस्टर पी बाय के शेयर ऑफ कोलगेट लिमिटेड और रुपये कैन ईच 1 रुपये 500 एज ए 1 अप्रैल 2020, तो टाइम सेल किया है आपको, जिसे जो 1 अप्रैल 2020 मिस्टर पी ने बाई लिए बाई जो, तो जिसे जो अवर अ शेयर ऑफ कोलगेट कंपनी सो एट द रेट ऑफ ₹500, लेकिन ये बन गया आपका सपोर्ट प्राइस 500 रुपये, और फेस वैल्यू है ₹10, फेस वैल्यू ₹10। सो एंड सेल्स 1 ईयर फ्यूचर्स मैच्योरिंग ऑन 31 मार्च 2021, तो समझो मिस्टर पी ने इसको होल्ड करना है 1 साल के लिए, तो जिसे जो मैच्योरिंग 31 मार्च 2021 इसने सेल कर दी है फ्यूचर, सेल्स ऑफ फ्यूचर्स, सो एट द रेट ऑफ उसका जो फ्यूचर का प्राइस है एफ टी वो आपको दिया है एट द रेट ऑफ 600, वो है जो इससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, तो आर की वैल्यू भी है 12% पर एनम, इतनी जो मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ेगी आपको। डिटरमिन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ स्टॉक, तो एक्चुअल कॉस्ट कैरी मॉडल, तो अपने एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस डिटरमिन करने हैं, जिसका नाम होता है एफ ओ, जिसका नाम है फेयर प्राइस, इसको कहते हैं कॉस्ट कैरी मॉडल। इस शेयर को कैरी करने की कितनी कॉस्ट है एक्टर गैप मैकिंग एंड हैज जो प्रॉफिट और लॉस मेक बाई पी, और आपने बताना है कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, इनका फ्लोइंग केसेस, अब डिफरेंट केसेस आपको दिए हैं, ये देखा गया है देखो, वो आपका सपोर्ट प्राइस है SO 500 रुपये, आर गया आपको 12% पर एनम, एफ की गया आपको 600, तो आपको गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। नंबर वन सिचुएशन देखते हैं, जैसे नंबर वन केस, सो कोलगेट कंपनी पेज डिविडेंड 150% ऑन 31 दिसंबर, तो उसका टाइम शेयर बना लीजिए, तो आपके पास देखो 1 अप्रैल है 2020, SO है आपके पास 500, फेस वैल्यू आप रख लो एफ वो है 10, तो आपको मिल रहा है 31 दिसंबर को 2020 डिविडेंड, डिविडेंड मिलेगा फेस वैल्यू के ऊपर, तो 10 रुपये के ऊपर आपको मिल रहा है 150%, जैसे जो 15 रुपीज, और टाइम पीरियड आपका क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2021, एफ टी जी आई है आपको 600 और आर है आपके पास 12%, तो आपको कंपनी ने डिविडेंड दे दिया आपको कैश में, और इंटरेस्ट आपका चार्ज हो रहा है एनुअली, तो हम एफ ओ निकाल सकते हैं, तो एनुअली चार्ज हो रहा है, फार्मा क्या लगेगा आपका SO इंटू 1+R टाइम पीरियड की माइनस डिविडेंड इंटू 1+R टाइम पीरियड की माइनस एम, डिविडेंड भी आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर आपको इनकम आएगी, पूरा 1 साल बन गया आपका, तो SO है हमारा 500, उसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट एक्ट आपको 12%, डिविडेंड आपको मिला 15, उसका इंटरेस्ट बनाएंगे हम यहाँ से लेकर यहाँ के 3 महीने का, तो 1+0.12 इंटू 3/12 ये बन गया 1 पीरियड, तो जिसे 500 1.12 - 15 इंटू 1.03, जिसे जो 560 माइनस जिसे जबर 15 इंटू 1.03 15.41 -560 किसी 544.55 ये आपका एफ ओ आ जाएगा,
तो आपको उसमें देखो गेन हो गया हेजिंग में FP-FP। फ्यूचर्स आपने सेल किए हैं 600 के ऊपर, -544.55, तो गेन इज 55.45 पर शेयर आपका गेन आ गया। तो सेकंड केस उन्होंने किया है, कंपनी पे एक डिविडेंड 150% ऑन 31 दिसंबर, डिविडेंड आपको कैश में मिल रहा है, बाकी इंटरेस्ट की चार्ज क्वार्टरली, अब आगे क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड एग्जाम्पल है, इसमें सारे केस कवर होंगे आपके। देखो अब आपको यही देखा है सेम, जैसे जो 1 अप्रैल, 31 दिसंबर, SO आपको लिया है 500, आर की वैल्यू सेम है 12% पर एनम, डिविडेंड आपको मिल रहे हैं 15 रुपये, 150%, टाइम पीरियड है आपका 31 मार्च, FT आपको दिया है जैकि 600। अब जो आपकी कंपाउंडिंग हो रही है, इंटरेस्ट है आपका क्वार्टरली कंपाउंड होगा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो आर को बना लो पर क्वार्टर, आर पर क्वार्टर देखो कितना आएगा आपको, एक क्वार्टर में आपके 3 महीने 12% × 3/12 3%। फार्मा देखो यही चलेगा आपका, वैसे पर क्वार्टर बना लेंगे, ये नंबर ऑफ क्वार्टर्स बन जाएंगे, वट विल बी FO, SO है आपका 500, 1.03%। अब आपके 1 साल में बन गए 4 क्वार्टर, डिविडेंड मिला 15 रुपये, ये भी पर क्वार्टर आ गया 1.03, डिविडेंड का क्वार्टर बन गया 1, जिसे 1 क्वार्टर, तो उसको देखें कि अब क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है आपकी इंटरेस्ट की, 1.03 × 4 × 500, गेस वैल्यू इज 562.754 − 15.45, दिस इज 547.30, स्लाइट डिफरेंस आ गया पहले 544 का 47, बाकी गेन गेन का फार्मूला आपका सेम है FP-FP, सो दिस इज 600 − 547.30, गेन इज 52.70। देन वी हैव सी केस, इसमें उन्होंने मेंशन किया कंपनी बेस डिविडेंड 150% दिसंबर में, बट इंटरेस्ट की 4 मंथली, अब आपकी मंथली कंपाउंडिंग हो गई है, तो इट मीन क्या सेम है, तो इट मीन्स अब आपका जो आर है 12% पर एनम, बट जिसे कंपाउंडेड मंथली, तो आपने आर को बनाना है पर मंथ 12% × 1/12 या कि 1%, तो आप यहाँ पर आर पर मंथ लेंगे, ये नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे, तो देखो आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, FO SO है आपका 500 × 1.01, ये बन गए 12 महीने, 15 का डिविडेंड, उसके ऊपर भी 1%, अब ये बन गया 3 महीने दिसंबर से मार्च, तो ये कंपाउंडिंग कर रहा है आपके इंटरेस्ट की मंथली 1.01 12 टाइम्स, तो × 500, तो दिस अमाउंट इज 563.2413 − 1.01 3 times × 15 15.455, सो −563.413, तो दिस अमाउंट इज 547.96, तो आपका गेन आ जाएगा 600 − 547.96, पहले का देखो 30 पैसा 9.96, तो स्लाइड आपके ऐसे चेंज होता रहेगा आंसर, तो गेस अमाउंट लीजिए 52.04 इज अवर गेन। तो डी केस है अब आपका, तो डी केस में देखो मेंशन किया है डिविडेंड यील्ड आ गई है अब आपकी ऑन कोलगेट स्टॉक की 3.6%, अब डिविडेंड कैश ही नहीं मिलेगा आपको, आपको दिया है वाई डिविडेंड यील्ड, यह है आपकी 6%,
बिल्डिंग कब कब मेच्योर की नहीं होगी, कब कब एक्युमुलेट होती रखी है, और इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है एनुअली। तो आर आपका सेम है, एसओ है, एफपी है, तो व्हाट विल बी फार्मूला ऑफ ओ एफओ। अब इसका फार्मूला बन जाएगा एसओ इंटू 1 + r - u y, टाइम पीरियड है एफपी। तो एनुअली चार्ज हो रहा है, 1 साल 15 है पूरा, तो एसओ है आपका 500, ये भी पर एनम लेंगे 12%, डिविडेंड है आपका 6%, 1 ईयर का केस। नेट रहेगा आपका 1.06, जिसे कि 530, तो आपका गेन आ जाएगा। एफपी है आपका 600 - 530, गेन इज 70। इसमें हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं, आपको हर फार्मूला क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको दिया है नंबर ई में कि डिविडेंड यील्ड है आपकी 6%, अब जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली, तो इंटरेस्ट को कंपाउंड करेंगे क्वार्टरली। देखो एसओ सेम है आपका, बट आर ये 12% पर एनम, बट क्वार्टरली इसकी कंपाउंडिंग होगी। और वाई है आपकी डिविडेंड यील्ड 6%, और 1 साल का केस है आपका, एफपी आपका वही है 600। तो हमें पर क्वार्टर निकालना है, पर क्वार्टर देखो ये आ रहा है 3% पर क्वार्टर, और ऐसे डिविडेंड यील्ड भी पर क्वार्टर आ जाएगी 6 × 3/12, 1.5% पर क्वार्टर। तो फार्मूला ये बन जाएगा आपका एफ ओ सेम एसओ इंटू 1 + r - y, बस हम यहाँ पर क्वार्टर ले लेंगे, ये बना लेंगे नंबर ऑफ क्वार्टर्स। एसओ है जो आपका 500, 1 + 0.03 - 0.015, ये डिविडेंड यील्ड हो गई आपकी, 4 क्वार्टर बन गए आपके। 500 इनको 1.015 raised to power 4, सो 1.015 इनको 500, सो दिस वैल्यू 530.68। देखो पहले की 530, अब ये चेंज होगी तो आपका गेन आ जाएगा एफ टी माइनस एफ ओ 69.32, आपका गेन होगा। फिर एक आपको दिया है एफ पॉइंट, बस एफ में है कि आपकी जो कंपाउंडिंग है वो मंथली है आपकी, तो मंथली आर बन जाएगा आपका 1% पर मंथ, और वाई आ जाएगी आपकी 0.5%, 0.5% पर मंथ। फार्मूला सेम चलेगा आपका, तो लेके से बट विल बी एफ ओ इन दिस केस, एफ पॉइंट है ये, एस ओ आपका है 500, आर की वैल्यू है 0.01 - 0.005 raised to power, अब मंथ्स आ जाएंगे आपके 12 मंथ्स, 500 × 1.005 raised to power 12, सो दिस इज 1.05 12 times × 500, दिस इज कमिंग 530.84, सो व्हाट विल बी योर गेन, दिस इज 600 - 530.84, 69.16 इज अवर गेन। फिर आपका जी पॉइंट है आपका, अब इसमें आपको मेंशन किया है कंपनी बेस्ड डिविडेंड 150%, अभी डिविडेंड आपको कैश में मिल रहा है, आर आपका है 12% पर एनम, डिविडेंड आपको मिल रहा है 31 दिसंबर इन कैश, जिसे ये 15 रुपीज, बट देयर सेइंग इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग कॉन्टीन्यूसली, अब इसकी कंपाउंडिंग हो रही है कॉन्टीन्यूसली, तो टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर, एफ टी आपको दिया है 600, तो कॉन्टीन्यूसली में देखो ये फार्मूला बनेगा एस ओ एस ओ, ई के ऊपर आर इंटू टी माइनस डिविडेंड, ई के ऊपर आर आर इंटू टी माइनस एम, इसमें आर हम लेंगे पर एनम क्योंकि डेली कंपाउंडिंग हो रही है, डिविडेंड पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने का। तो एस ओ है आपका देखो 500, ई की पावर है 0.12, टाइम हो गया 1 ईयर, डिविडेंड है 15, ई की पावर है आर 0.12,
इसका टाइम बन गया 3 मिनट, 3/12, 500 इंटू ई रेस टू पावर 0.12 माइनस 15 ई रेस टू पावर 0.03। इसकी वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी, 500 इंटू, तो ई की पावर चेक करो टेबल में, 0.12 की है, 1.1275, और 3 की है 1.03045। इस तरीके से आपका एफ ओ आ जाएगा 500 इंटू 1.1275 एंड 15 टाइम्स 1.03045। तो दिस वैल्यू कमिंग 548.30 राउंडेड पे, तो आपका गेन आ जाएगा, एफ टी है आपका 600 माइनस एफ ओ 548.30, 51.70। फिर इसी एग्जाम्पल में एक लास्ट केस आता है हमारा एच, इसमें जो को मेंशन किया है डिविजन यील्ड है आपकी 6% और इंटरेस्ट आपका भी 12%, बल्कि ये हो रहा है आपका कॉन्टीन्यूसली कंपाउंडिंग, कॉन्टीन्यूसली कंपाउंडिंग का केस है। अब देखो फार्मूला क्या बनेगा आपको, अब ई के ऊपर आर भी कॉन्टीन्यूस है, डिविजन ईल्ड भी कॉन्टीन्यूस है, ईल्ड में है, इनको टाइम पीरियड भी ठीक। एस ओ है आपका 500, तो आर है आपका 12%, डिविजन ईल्ड है 6%, टाइम पीरियड है आपका 1 साल का, बस जैसे 500 इनको ई रेस टू पावर 0.06, इसकी वैल्यू टेबल से मिल जाएगी, 0.06 की वैल्यू है आपकी 1.06184। मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस वैल्यू 500 इंटू 1.06184, जिसे जो 530.92, और आपका गेन आ जाएगा फ्यूचर्स में 600 एफ टी है माइनस ये बन गया आपका एफ ओ, सो गेन इज 69.0। इस तरीके से आपने देखा जैसे आपको इंटरेस्ट किस तरीके से कंपाउंड कर रहा है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, कंटिन्यूसली, डिविजन को तरीके से मिल रहा है कैश में, या डिविजन की ईल्ड आपको मिल रही है, तो सारे केसेज में आपके एफ ओ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हम और एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।